जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करें हम लोग जीवीके पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में। जीवीके पावर में आखिर इतनी गिरावट क्यों आ रही है और गिरावट कब तक चलेगी, इसके बारे में तो बात होगी ही, साथ में यह भी समझेंगे कि किसी व्यक्ति ने यदि इस कंपनी में हाल फिलहाल के दिनों में पैसा लगाया है, और बहुत से लोग क्या होता है जब शेयर का प्राइस काफी तेजी से ऊपर जा रहा होता है तब जाकर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और काफी मोटा पैसा एकदम हाई पे लगा देते हैं। तो चूंकि छोटा स्टॉक से पेनी स्टॉक तो इसको नहीं कहेंगे, स्मॉल कैप श्रेणी का स्टॉक है, तो छोटे स्टॉक्स में और पेनी स्टॉक में रिस्क तो होता है। कई बार ऑपरेटर्स से ऐसे बात सामने निकल कर आती है कि काफी हाई पे जाने के बाद वो स्टॉक को गिराना शुरू करते हैं। तो खैर आपको इससे घबराना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो करना क्या है, और ये गिरावट कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी भी देगा, खासकर नए लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देगा कि नहीं बाई किए हैं तो बाई कर सकते, और जिसके पास पहले से इन्वेस्टमेंट होगा वो एवरेजिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आपको मौका हमेशा मिलेगा, सकारात्मक सोचेंगे तो चलिए समझते हैं कि अभी इस स्टॉक में क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है, करना क्या है। शुरू से शुरू करते हैं जीवीके पावर को। हम शुरू से पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ आपको बताया है कि कंपनी का जो काम धाम है ना इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी कई प्रकार के सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ऑपरेशन मेंटेनेंस सर्विसेज, मैन पावर, कंसल्टेंसी की सर्विस भी कंपनी देती है। तो जब कंपनी का काम काफी विस्तृत होता है और मल्टीपल बिजनेसों में कंपनी खुदी हुई होती है, हालांकि काम लगभग सब एक जैसा ही है, एक ही क्षेत्र का ये काम है यहाँ पर जितने भी आप देख सकते हैं, तो इससे क्या होगा कंपनी का जो ग्रोथ है लॉन्ग टर्म में होगा। और चूंकि पेनी स्टॉक से ही देखेंगे तो बहुत कम समय में ये जो स्टॉक है आपको एक स्मॉल कैप श्रेणी कैटेगरी में जाते हुए दिखा है। अब इससे जब ऊपर निकलेगा तो ये फिर मिड कैप श्रेणी में जाएगा और धीरे धीरे लार्ज कैप श्रेणी का स्टॉक बन जाएगा, लेकिन उसमें समय लगेगा और समय तो देखिए देंगे तभी पैसा बनेगा। तो काम काफी बढ़िया है और यहाँ पे मैं यदि आपको बताऊं तो ये जो कंपनी मेंटेनेंस या ऑपरेशन का या इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस प्रोवाइड करती है तो ये बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र में काम करती है। जैसे देखेंगे तो पावर प्लांट्स बिठाती है, एयरपोर्ट्स पर कंपनी काम करती है, तो मतलब इसको जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं वही बड़े बड़े मिलते हैं, तो कंपनी की कमाई तो होता है। अब देखिए शॉर्ट टर्म में किसी कंपनी का प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, उससे हमें नहीं घबराना है। अभी इसका प्राइस चल रहा है 9 रुपए 63 पैसे और बुक वैल्यू भी देखेंगे तो माइनस में है। सामान्यतः किसी कंपनी का बुक वैल्यू माइनस में नहीं होना चाहिए और रिटर्न ऑन इक्विटी का यहाँ पे पता नहीं है। दो तीन कुछ चीजें इस स्टॉक्स में निगेटिव है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में जो चीजें निगेटिव है खासकर जो फंडामेंटल को लेकर, वो चीजें लॉन्ग टर्म में बेहतर हो सकती है। क्योंकि जब हम लोग कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर देखेंगे तो नंबर में देखेंगे कि इसमें कुछ खास गिरावट या कुछ खास बेहतरी होते हुए नहीं दिख रहा है। एक एवरेज रूप से कंपनी के क्वार्टर्स नंबर हर 3-3 माह पे आ रहे हैं, लेकिन यही नंबर अगर एवरेज रूप से भी आ रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म में बेहतर कर सकते हैं। और जब लॉन्ग टर्म में क्वार्टर्स के नंबर अच्छे आने लगेंगे तो फंडामेंटल ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगा। फंडामेंटल बेहतर होने के साथ कंपनी का काम, जो कंपनी काम करती है काम तो बढ़िया है ही, इसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस आपको तेजी के साथ ऊपर जाते हुए दिखेगा। लेकिन अभी के लिए हम बात करें कि अभी से स्टॉक में क्या चल रहा है और क्या हो सकता है, तो अभी सबसे पहले 1 साल के चार्ट पर मैं यहाँ पे आया हूँ और 1 साल के चार्ट पर आप भी देखेंगे कि स्टॉक जो अभी कंसोलिडेशन रेंज में 1 साल का चार्ट है, ये कुछ दिनों तक अभी जो स्टॉक एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ यहाँ पे आपको दिख रहा था 10 रुपए से लेकर 12 रुपए के बीच में, तो अभी देखेंगे कि इस स्टॉक का प्राइस आपको कहीं ना कहीं नीचे की तरफ लुढ़कते हुए दिख रहा है। ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था 10 रुपए का लेवल, इसको कहीं ना कहीं स्टॉक आपको ब्रेक करते हुए दिख रहा है। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि प्राइस कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आ रहा है और ये जो लेवल है 10 रुपए का, इसको आपको ब्रेक करते हुए दिख रहा है। तो करना क्या है, देखिए थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, थोड़ा बहुत नीचे आने से नहीं घबराना है। आपको डरने की जरूरत तब है जब इस स्टॉक का प्राइस, ये जो आप लेवल देख रहे हैं जो 8 रुपए का लेवल है, इसके भी नीचे आ जाता, तब तेजी से इसका प्राइस नीचे आ सकता है और कम से कम 4 रुपए तक, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट आधा हो जाएगा। तो देखिए अगर बहुत ज्यादा काम का और मोटा पैसा लगाते हैं तो 8 रुपए तक इस कंपनी के शेयर प्राइस को आने तक वेट कीजिए, और अगर 8 रुपए तक आगे समय बिताएगा, समय बिता के ऊपर निकल सकता है, निकलना ही चाहिए क्योंकि स्टॉक ठीक है, इतना ज्यादा इसमें गिरावट नहीं। किसी स्टॉक में 50 से 60% गिरावट आने का मतलब हुआ कि स्टॉक में बहुत स्टॉक को बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, उसमें कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी मिली, हालांकि इस स्टॉक में ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको कायदे से वेट करना चाहिए, हालांकि मुझे लगता है कि अभी इसी रेंज में रहेगा, थोड़ा बहुत नीचे आगे फिर से इसी रेंज में आकर समय बिताएगा और समय बिता के तब इससे ऊपर निकलेगा। हालांकि अगर नीचे आता है तो 8 रुपए तक आएगा, 8 रुपए तक होल्ड कीजिए। 8 रुपए के नीचे आता है तब आप अपना हाफ क्वांटिटी सेल कर सकते हैं और हाफ क्वांटिटी अपना होल्ड करके इसमें चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। फिलहाल अभी कुछ नहीं करना है, किसी ने किसी भी लेवल पे इसे स्टॉक के बाई किया है, प्रॉफिट नहीं बुक किया है, तो आप इस स्टॉक में भी बने रहिए और देखते रहिए आगे क्या होता है। 8 रुपए तक कम से कम आपको आने तक वेट करना है। यहाँ पे जब आप कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर देखते हैं
पाते हैं कि अभी तक जो कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर 3 डिजिट में चल रहा था, जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया था उसमें इसका जो नंबर आया था डबल डिजिट में हो गया था, यानी कि बहुत कम कंपनी का सेल्स हुआ था। ये सेल्स अभी कंपनी के शेयर प्राइस पे भी आपको इफेक्ट डाल रहा है। और चूंकि क्या होता है कि अगर सामान्य रूप से कंपनी के नंबर आ रहे तो ठीक है, किसी क्वार्टर में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो जाता है तो इससे दिक्कत देखने को मिलती है। और चूंकि काफी समय से स्टॉक एक रेंज बाउंड में भी चल रहा था, तो इसलिए अगर नंबर अच्छा होता तो इसको ब्रेक कर सकता था। नंबर अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा प्राइस नीचे की तरफ आपको आते हुए दिख रहा है। हालांकि इससे आपको घबराना नहीं है, मैंने बता दिया है। कंपनी देखेंगे तो हैवी अभी लॉस में चल रही है, 143 करोड़ के आसपास कंपनी का लॉस हो गया है। और यहाँ पे जब आप बैलेंस शीट में देखते हैं तो आप पाएंगे कि कंपनी के पास जो रिजर्व पैसा होता है फ्री कैश फ्लो, वह भी लगभग नहीं के बराबर है। डेब्ट भी कंपनी का थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है। ओवरऑल यदि बात करें तो अभी आपको एक बात समझना होगा कि इस कंपनी में जो प्रमोटर्स हैं ठीक ठाक मात्रा में, यानी कि कंपनी को ये लोग डूबने नहीं देंगे। साथ में ये जो कंपनी में एफआईआई डीआईआई की हिस्सेदारी है, तो इससे एक भरोसा जगता है कि यदि कंपनी के पास डेब्ट भी है और कंपनी के मान लीजिए क्वार्टर्स के नंबर अच्छे नहीं भी आते हैं, फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के मालिक का खुद इन्वेस्टमेंट है इसमें। आप खुद सोचिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी का उनके कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, तो क्या वो कंपनी में यदि बुरा समय आता है तो कंपनी छोड़ के भाग जाएंगे? कभी नहीं भागेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी है, कभी भी अपने कंपनी को पूरे तौर से बचाने का दमखम रखते हैं। तो कोई भी कंपनी का मालिक है वो अपने कंपनी को डूबने से बचा लेगा, इसलिए आपको घबराना नहीं है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचिए, और जब भी आपको ठीक ठाक प्रॉफिट होता है आप उसमें से बाहर हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जीवीके पावर के बारे में जो जानकारी मैंने दी आपको समझ में आ रहा होगा। मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।